भगवती गीता तीसरा अध्याय गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा विषय भोगों की दुख मूलकता तथा देवी भक्ति की महिमा। हिमालय बोले, शिवे यह पंच भूतात्मक देह ही दुख का कारण है क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता है। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह पांच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, वह यह पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी सर्प आदि अंडज हैं, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं और मनुष्य पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर वनस्पति के बीच पहुंचता है, वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है, पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है, तदंतर पुरुष के गेह में गुह्येंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से वह जीव भी वीर्य में समनिविष्ट हो जाता है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है, उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है उसी की मुख आकृति की संतान जन्म लेती है, अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वह वीर्य स्त्री के यौनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल अर्थात अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत्त होकर पांच दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़ी की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। चूंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जरायुज कहा गया है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांश पेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अव्यय अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में क्रम से कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। 2 महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा 3 महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः 4 महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है।
तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। पांचवें महीने में कान, नेत्र और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदाशिश्न, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह छठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और सातवें महीने में केश, रोम आदि उग आते हैं। आठवें महीने में गर्भ में सभी अव्यय स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इसी प्रकार पिताजी, जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। नौवें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतन शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहां पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूं। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने कर्म अनुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता हुआ था, उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है और देवयोग से जब वह कुत्ते, बिल्ली आदि दाढ़युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा से कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम, क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देव पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जल कण की भांति क्षणभंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीति मात्र हैं, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेंढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला गया। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं,
अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए।